स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु ने। जैसे कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेच 2 के लिए जो आवेदन आपने अप्लाई किया था, उसका इंटरव्यू के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुके हैं। और आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा नाम नहीं आया है। वो यहाँ पर जो वो लिस्ट है, जो पुरानी लिस्ट है, 15 लोगों के नाम आ रहे हैं। तो कुछ PDF में प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ PDF शायद अपलोड नहीं हुई है, इसी कारण 15 नाम आ रहे हैं। परंतु बहुत से जिलों की PDF अपलोड हो चुके हैं। आप कुछ देर वेट कर लीजिए, वो PDF भी अपलोड हो जाएगी। और एक और कमेंट आप सभी के आ रहा है कि किस आधार पर सिलेक्शन हुआ है, हमारा नाम नहीं आया। तो ये आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनी है, किस आधार पर, किस बेस पर बनी है मेरिट लिस्ट, जिसमें बहुत लोगों का नाम नहीं आया है। तो वही जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, मैंने बहुत पूछा सभी से, तब मुझे जाकर इस बारे में पता चला कि किस आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनी है। तो वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, किस आधार पर बनी है मेरिट लिस्ट। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दे। ऐसी नई अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। वैसे दोस्तों, तो इन चार जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, इन्हीं के आधार पर आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस हुई है। परंतु ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि कई बोल रहे हैं कि मेरे पास परसेंटेज भी अच्छे थे, मेरे 80-95% थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं टॉपिक बाई टॉपिक समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ये हमारा इतने परसेंटेज थे हमारे पास, ये भी था, फिर भी हमारा नाम नहीं आया। वीडियो को पहले एंड तक देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर फिर भी हम नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला टॉपिक यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल रहा होगा, जिसके सबसे अधिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्वालिफिकेशन से मतलब जिसके पास UG है, PG है, 2 वर्ष का डिप्लोमा है, मतलब जो 2021-22-23 में जिसके कंप्लीट हो गए हैं UG, PG, 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो ठीक है उसका पहले नंबर आएगा। मान लीजिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपने फॉर्म भर दिया, उसमें भले ही वो 99% क्यों ना, पर आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपको जो टॉपिक देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जिसके पास क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी, मतलब जिसके पास यूजी पीजी और 2 वर्ष का डिप्लोमा है, साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, तो उसका पहले नंबर दिया जाए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस वाले या अधिक क्वालिफिकेशन वाले लोगों को ही उन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम दिया है। एक ब्लॉक में 45 लोगों का चयन किया है इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 15 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, बाकी सब वेटिंग में आ सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा टॉपिक ये रहेगा दोस्तों कि जिसके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है और अधिक परसेंटेज भी है, मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, और क्वालिफिकेशन में जो मार्कशीट है उसमें अधिक से अधिक परसेंटेज भी है। यदि दो कैंडिडेट के समान क्वालिफिकेशन है, समान एक्सपीरियंस है, या किसी प्रकार से सिलेक्शन उनका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, दो अगर ऐसे समान कैंडिडेट है तो उनको दोनों में से एक को लिया जाएगा या दोनों को ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर एक को लिया जाएगा तो अधिक उम्र वाले को दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर मेरे पास क्वालिफिकेशन यूजी पीजी और ठीक है 2 वर्ष का डिप्लोमा भी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, फिर भी मेरा नाम क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके ब्लॉक में किसी और ने भरा है, जिसके पास भी सेम आपके पास जो क्वालिफिकेशन वो सेम, उसके पास भी ऊपर उसकी एज अधिक है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर रीजन रहते हैं दोस्तों, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये मेरिट लिस्ट बनाई होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट के ही आधार पर बन सकती है, इसका एक कोई आधार नहीं है कि केवल क्वालिफिकेशन के आधार पर करते हैं। ठीक है, गंज ऐसे ऐसे भी थे जिन्होंने 2021 में कॉलेज कम्प्लीट कर ली है, फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा भी कर लिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से या क्वालिफिकेशन के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, और जो है अधिक उम्र, पहले सबसे अधिक उम्र वाले को लेंगे, फिर कम उम्र वाले को लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जिसके पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, उम्र भी अधिक है, तो केवल उसका सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम एक लाइव प्रोग्राम रहते हैं उसमें आपको समझाने की मैं फुल कोशिश करूंगा। ठीक है, और आज शाम तक आपको जो रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।